ल्यूब्स क्या होते हैं, सेक्स के समय पे ल्यूब्रिकेशन की या किसी ल्यूब की क्यों जरूरत पड़ती है, कितने तरीके के होते हैं, क्या इससे एक्चुअली आपका सेक्स टाइम बेटर होता है, इसका क्या यूज है, सबके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ ल्यूब क्या है, कितने तरीके के हैं और क्यों यूज करने चाहिए। डिटेल में वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए, मैं बात कर रही थी ल्यूब क्यों इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले ये चीज समझिए कि ल्यूब कोई भी यूज कर सकता है। इधर आप एनल सेक्स कर रहे हैं, ओरल कर रहे हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, किसी और कम्युनिटी के हैं, व्हेनेवर व्हेयरएवर अगर आप सेक्स एंजॉय कर रहे हैं, प्लेजर की बात कर रहे हैं, तो आपको ल्यूब का इस्तेमाल करना चाहिए। ल्यूब कहीं ना कहीं आपकी एक्टिविटी को स्पाइस अप करती है, आपके फोरप्ले को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करती है। और ल्यूब अगर फ्लेवर्ड में हो तो फिर तो उसका मजा ही अलग है, बिकॉज इट विल हैव ऑल द गुड फ्लेवर्स कि अगर आप ओरल भी कर रहे हैं तो आपको हेल्प करेगी। ल्यूब मार्केट में तीन तरह की मिलती है, वाटर बेस्ड, ऑयल बेस्ड और सिलिकॉन बेस्ड। वाटर बेस्ड ल्यूब्स बेस्ट रहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ईजिली वॉश ऑफ हो जाते हैं और उनके इफेक्ट्स भी बहुत लंबे समय तक और प्लेजरेबल रहते हैं। दूसरी चीज जो समझनी है कि ल्यूब हेल्प करती है आपके सेक्स के प्लेजर को बढ़ाने की। क्यों? क्योंकि ल्यूब फ्रिक्शन को कम करती है। अगर आप कॉन्डम भी यूज कर रहे हैं तो वो उसके फटने के चांसेस नहीं रहते हैं। ल्यूब आपके कहीं भी, जब आप इवन स्ट्रोक्स कर रहे हैं या पेनिट्रेशन कर रहे हैं, ऐसे में भी स्किन को स्मूथ रखेगी। कई फीमेल्स में वजाइनल ड्राइनेस रहती है बहुत ज्यादा, जो कि पीरियड साइकिल्स के आसपास होती है या एज के कारण हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो जाती है। कई मेल्स में भी ल्यूब्रिकेशन बहुत अच्छा नहीं होता है, ऐसे में ल्यूब्स बहुत अच्छे से स्पाइस अप करने का काम करते हैं। ऐसे ल्यूब्स जो वाटर बेस्ड हो वो जरूर मेरी प्रेफरेंस में ऊपर होते हैं। फोरप्ले को स्पाइस अप करें, अपने रेगुलर यूसेज में ल्यूब को इंक्लूड करें, अच्छे फ्रेग्रेंस मतलब अच्छी स्मेल फ्लेवर्स को एंजॉय करें, स्मूथ अपनी स्किन को स्मूथ रखें, जेंटल रखें। कॉन्डम यूज करते हैं तो भी निश्चिंत हो जाए, दिस ल्यूब इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। और जैसे मैंने आपको बताया है कि ल्यूब के यूज के बाद आप कहीं ना कहीं सेफ हैं। सेफ क्यों? क्योंकि कॉन्डम फटता है तो चांसेस रहते हैं, स्किन पे कभी कभार इरिटेशंस भी हो जाती हैं, और पता है वो क्यों होती हैं? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण होती हैं। ऐसे में जब आप ल्यूब यूज करेंगे या वजाइनल ड्राइनेस है, सबको कहीं ना कहीं कवर कर लेती है ल्यूब। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मैम कॉन्डम के साथ ल्यूब यूज करना कैसा रहता है? बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, जैसे मान लीजिए समोसा के साथ चटनी, सो इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। आप इसे डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, और अपने कई ऐसे एक्चुअली ल्यूब्स हैं जो टाइम को भी बढ़ाते हैं, तो ऐसे ल्यूब्स भी हैं। बट एक चीज जो जरूर समझनी है कि ल्यूब आपकी प्रोटेक्शन नहीं दे रही है। मतलब ये कोई कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है कि इस जेली है, इस ल्यूब को यूज करूंगी तो मैं प्रेग्नेंट नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। ल्यूब एक स्पाइसिंग एजेंट है जो आपके प्लेजर्स को इंक्रीज करती है। तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। वीडियोज के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हमारे दोनों नए चैनल लवोलॉजी सीखो और साइकोलॉजी सीखो को जरूर सब्सक्राइब करें। बने रहे, जुड़े रहे, बहुत जल्दी एक और वीडियो। तब तक के लिए आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिख भेजें कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि डॉक्टर ने उस पे वीडियोस बनाई है।